हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक है नेक्स्ट डे कंपाउंड्स ऑफ एक्टिनाइड्स। जैसे कि हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर एक्टिनाइड्स को याद कर लिया था, अगर आपको वो सभी एक्टिनाइड्स कंठस्थ हैं, कंठस्थ का मतलब क्या है, आपको मुँह जबानी याद है, उसका एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आता है थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, और फिर लास्ट एलिमेंट आता है 103 जिसका एटॉमिक नंबर है लॉरेंसियम जिसका सिंबल है LR। अगर आपको वो सभी याद है और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको करवाई थी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट करवाई थी, अगर आपको वो सभी बातें याद हैं तो आपको ये जो टॉपिक है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक के अंदर हम मेनली तीन बातें पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जो एक्टिनाइड्स हैं वो किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं, कितना उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और उनकी स्टेबिलिटी कितनी होती है, और दूसरा जब भी बात की जाती है रिएक्टिविटी की तो रिएक्टिविटी के केस में हम क्या देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो रिएक्टिव क्यों हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं एक्टिनाइड्स जो होते हैं, एक्टिनाइड्स के आउटर में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 5F सब सेल के अंदर भरे जाते हैं, और 5F सब सेल के अंदर क्या हमारे 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम एक्टिनाइड्स की बात करेंगे तो एक बात हम हमेशा लिखेंगे कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसका रीज़न यही है कि जो 5F के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो इतने स्ट्रॉन्गली हेल्ड नहीं होते हैं कि न्यूक्लियस उनको होल्ड कर पाए, जिस वजह से आउटर साइड से जो भी एटम आते हैं उसके साथ वो रिएक्ट बहुत तेज़ी से करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात लिखते हैं कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दूसरा इनके बारे में खास बात हमने क्या लिखी है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स से लेते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स को अगर आप एयर के अंदर ओपन रख दोगे तो वो एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और अपने चारों तरफ एक ऑक्साइड की कोटिंग बना लेते हैं, जिस प्रकार से जो है दूसरे अगर हम किसी केमिकल की बात करें तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते और वो हाईली स्टेबल हो जाते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को हम रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स बोलते हैं। ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल या रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दीज फॉर्म ऑक्साइड लेयर, दीज फॉर्म ऑक्साइड लेयर ड्यू टू रिएक्टिविटी, दीज रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स। लगभग सभी के साथ ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, चाहे उसमें एसिड्स आ गए, चाहे उसमें हमारा बेस आ गया, चाहे उसमें हमारी नॉन मेटल्स आ गई ETC, इन सभी के साथ ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और इनमें भी अगर सबसे मोस्टली बात की जाए भी, इनमें से सबसे मोस्टली जो रिएक्ट करता है वो एलिमेंट है हमारा यूरेनियम, और कुछ हद तक जो दूसरे एलिमेंट रिएक्ट करते हैं वो है हमारा थोरियम एंड प्लूटोनियम TH and PU। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की। सिंपल सी बात है भाई, ऑक्साइड्स कब बनते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कि जब भी जो है ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं भाई जो एयर की जो ऑक्सीजन उसी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनको जब हम स्पेसिफिक ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तब ही वो प्रोडक्ट बनाते हैं, अदरवाइज वो ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, दीज रिएक्ट विद ए ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगी भी इनकी, +2, +3, +5 and +6। ठीक है, उसके बाद दीज आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी इसको स्टार लगा के लिख लेना, दीज आर रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन बाई हीट। कि अगर आप इनको गर्म करोगे, हीट करोगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। रीज़न क्या है, मैंने यहीं पर बता दिया आपको कि एयर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेते हैं, अपने चारों तरफ एक ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, एक ऑक्साइड की कोटिंग बना लेते हैं।
जिस वजह से जब अगर आप इसको हीट करोगे तो उसके प्रति ये क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, रेजिस्टेंट टू हीट कॉमा प्रेशर और केमिकल अटैक। तो आप जितना मर्जी आप प्रेशर अप्लाई करो या फिर कोई भी केमिकल डालो या फिर आप उसको हीट करो तो वो डिकम्पोज नहीं होते हैं एंड एबल टू रिटेन स्ट्रेंथ एंड फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये अपनी स्ट्रेंथ को जो है रिटेन कर सकते हैं। दैट्स वाई दीज आर स्टेबल कंपाउंड्स, कि जो ऑक्साइड्स बनाते हैं एक्टिनाइड से उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दीज आर कॉल्ड, इनको नाम दिया जाता है, स्पेशल मेंशन करेंगे इसको, रिफ्रैक्टरी मटेरियल। क्या बोलते हैं इनको भाई, रिफ्रैक्टरी मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर से अगर बात की जाए भी, जैसे थोरियम ऑक्साइड बनाता है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, TiO2 एज ए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता लगभग 3390 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से अगर आप इनको कार्बोनेट को हीट करो, जैसे UO2CO3 है, जब आप उसको हीट करते हो तो डिकम्पोज हो जाता है UO3+CO2 के। ये जो UO3 है, फर्दर अगर आप नाइट्रिक एसिड डालते हैं, कोई और कंपोनेंट डालते हो, उसके साथ भी रिएक्ट करता है, तो UO2 × NO3 की ट्वाइस इंटू मी 6 वाटर मोलिक्यूल, तो ये अगेन क्या बनाता है, UO3+4NO2+O2+ मी 6 जो वाटर मोलिक्यूल यहाँ पे थे वो हमारे सेपरेट हो गए हैं। यहाँ पे NO3 के अंदर से एक ऑक्सीजन, इसका ट्वाइस है, दो ऑक्सीजन ये निकल गया है, बच गया यहाँ पे NO2, 4 NO2, और अंदर में क्या आ गया भाई, हमारा UO2 आ गया है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है भाई, हमारा यहाँ पे जो UO3 बना है, अगर इसको फर्दर हीट कर दिया जाए तो ये फर्दर U3O8 बना देता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, UO3 यहीं पे लिख सकता हूँ, व्हेन UO3 इज फर्दर हीटेड, दिखाई दे रहा ना भाई, नहीं दिखाई नहीं दे रहा भाई, ठीक है ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ लिख देता हूँ इसको, व्हेन UO3 इज फर्दर हीटेड इट फॉर्म U3O8। तो क्या बनाता है, UO3 टेम्परेचर अगर 800 से 900 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो बनाता है U3O8। यहाँ पर यूरेनियम 3 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखनी है कि ऐसा साथ में 9 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे 8 है, तो साथ में क्या निकल जाएगा हमारा, हाफ O2 निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक जो है आप क्या देख सकते हो भाई, एक बात और, पहले वाले रिएक्शन में यहाँ पे 4NO2 था भाई, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो UO2, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस होगी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद भाई ये तो थे डाइऑक्साइड, उसके बाद भाई ये जो एक्टिनाइड्स हैं वो पेंटाऑक्साइड्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, पेंटाऑक्साइड्स। पेंटाऑक्साइड्स के अंदर बात करें भाई, मेनली तो इसके अंदर से आपसे क्या पूछी जाती है, स्ट्रक्चर ही पूछी जाती है। अगर हम बात करें किसी पेंटाऑक्साइड की, तो जो पेंटाऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, पहला हमारा वो है एग्जिस्ट ऑफ Pa2O5। तो जो पेंटाऑक्साइड है, यहाँ पे आपको कितनी ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, 5 ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, तो जो Pa2O5, अब ये Pa क्या है अभी हमारा, Pa यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, प्रोटेक्टिनियम। क्या जाता है, Pa प्रोटेक्टिनियम, ठीक है। इसके बाद भी यूरेनियम भी जो है ऑक्साइड बनाता है, पहले हम उसके यूरेनियम के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर मेन है भाई पेंटाऑक्साइड में, अगर स्ट्रक्चर पूछी जाती है तो आप ये स्ट्रक्चर जरूर बताएंगे। इसके सेंटर में क्या होता है, यूरेनियम, और 6 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होती है, मतलब एक प्रकार से आप क्या बोल सकते हो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोल लो या उसको हेक्सागोन बोल लो, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो ऑक्सीजन है भाई,
ये ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट होती है, क्योंकि समवट लाइक ऑक्टेड्रल ज्योमेट्री जो है हम ऐसे बनाते हैं। फिर इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या होता है, NO, इस प्रकार से एक जो ऑक्सीजन बचेगी वहाँ पर H2O होगा, H2O, फिर से अगली के ऊपर इसी प्रकार से NO2 होगा हमारा, और ये बॉन्ड होगा, ठीक है, इसके साथ ये हमारा सेंटर में लेंगे थोड़ा सा जी ऐसे, और फिर इसी तरह से इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या हो गया भाई, यूरेनियम के साथ 6 ऑक्सीजन है जिसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल और 2 क्या है हमारे NO2 है। तो इसके बारे में अगर हम लिखें तो लिखेंगे, सबसे पहले तो ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ यूरेनियम डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड HNO3। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि जो ऑक्साइड्स होते हैं यूरेनियम के, एक तो बेसिक होते हैं, दूसरा वो किसके अंदर डिजोल्व कर जाते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के अंदर, या फिर कंसंट्रेटेड HClO4 के अंदर भी वो डिजोल्व कर जाते हैं, क्लियर है। इसके बाद इसके साथ और रिएक्ट करके क्या देते हैं, टू गिव UO2 पॉजिटिव आयन। जैसे एग्जांपल, अगर हम UO3 को डिजोल्व कर दें किसके अंदर है, HNO3 के अंदर, यानी कि नाइट्रिक एसिड के अंदर, तो क्या बना देता है भाई, येलो यूरिनाइल कंपाउंड, क्या बना देता है वो, येलो यूरिनाइल आयन, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, U OO, और इस पूरे के ऊपर क्या आ गया हमारा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर है। अब अगर मैं इसको क्या करूं भाई, हीट कर दूं, सॉरी हीट नहीं, इसके अगर हम क्रिस्टल बनाए, विच अपॉन क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये जो यूरेनाइल आयन बना है अगर हम इसकी क्या कर दें, क्रिस्टलाइजेशन कर दें, तो क्या देगा हमें, गिव UO2 NO3 H2O की पावर n। अब यहाँ पे जो ये n है, n किसके बारे में बताता है भाई, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कितने हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स में भी 2, 3 और 6, तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे 2, 3 या 6 होंगे। कई बार इनके इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर इसकी बात की जाए भी, जो ग्रुप 16 है इसमें क्या होता है, सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन टेलरियम, ये हमारी क्या होती है इसके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी होते हैं। और भी बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है भाई यूरेनियम, जैसे कि M2O2O7 लिख देता हूँ मैं, M2O2 नहीं U2O7, और भाई M2UO4 और हमारा M4UO5 ETC, तो ये सारे के सारे हमारे कुछ क्या हैं, ऑक्साइड्स हैं जो यूरेनियम बनाता है, जिनमें उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था +2, +3, +5 या +6 होगी, इस तरह के ऑक्साइड्स को बनाता है, ठीक है। और लास्ट हमारा जो कंपाउंड बचता है वो बचता हमारा हैलाइड्स। अब हैलाइड्स क्या होते हैं भाई, जब एक्टिनाइड्स रिएक्ट करते हैं ग्रुप 17 के साथ, ग्रुप 17 के साथ, ग्रुप 17 में कौन कौन, अभी हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तब जो कंपाउंड बनते हैं हमारे, उनको क्या बोलते हैं, हमें हैलाइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हैलाइड्स। तो हैलाइड्स के लिए एक रिएक्शन लिख लेते हैं, बेसिकली हम हेक्सा हैलाइड की रिएक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पर AcX6 के साथ अगर आप वाटर को रिएक्ट कराओगे तो ये बनाएगा Ac2O2X2 प्लस में 4HX निकल जाए, इसको बैलेंसिंग के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे जो हेक्सा हैलाइड है, हेक्सा हैलाइड की अगर बात की जाए, कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा हेक्सा हैलाइड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एक्टिनाइड के केस में, तो यहाँ पर फ्लोराइड होता है, क्या लिखेंगे, ओनली फ्लोराइड फॉर्म हेक्सा हैलाइड, केवल फ्लोराइड क्या बनाता है, हेक्सा हैलाइड बनाता है, जबकि जो पेंटा हैलाइड्स हैं
पेंटाहेलाइड्स हैं, वो कहाँ तक बनते हैं? अप टू नेपच्यूनियम, जो कि हमारा क्या है, एनपी। तो जो एनपी है नेपच्यूनियम, उसके अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका, 93 होता है, ठीक है। तो नेपच्यूनियम तक जो है क्या बनाते हैं, पेंटाहेलाइड्स बनते हैं। बाकी सारे जो पेंटाहेलाइड्स हैं, ऑल पेंटाहेलाइड्स, या फिर अगर हम बात करें क्लोराइड्स की, ऑल पेंटा फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स, ऑल पेंटा फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स आर पॉलीमरिक, मतलब वो क्या बनाएंगे, पॉलीमर चेन बनाएंगे, ठीक है। जबकि जो टेट्राहेलाइड्स बनते हैं, टेट्राहेलाइड्स, टेट्राहेलाइड्स अप टू CF, वो हमारे कहाँ तक होते हैं, CF तक होते हैं। CF क्या होता है हमारा, कैलिफोर्नियम। CF क्या होता है आपका, कैलिफोर्नियम। अब एटॉमिक नंबर कितना होता है कैलिफोर्नियम का हमारा, 98 होता है, क्लियर है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एक्टिनाइड्स, आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियोस दूसरों तक भी पहुंचाएं। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू।